ये भीड़ नहीं है, ये बदलाव की भीड़ है, ये प्रतिभाओं की भीड़ है। आने वाले समय में क्या जयराम महतो इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे? ठीक है ना, सीखवे हैं तो क्या हुआ। बहुत ऐसे छात्र हैं जो ना सीखवे रह के भी बड़े बड़े को पटखनी दिए हैं, तो हम लोग पटखनी देने के लिए सक्षम हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। अगर लड़ रहे हैं आप तो सरकार में 5 साल रहे भैया, अब क्या चाहिए आपको? और चाहिए अपने 5 साल? हम लोग बोका हैं क्या? नहीं पढ़े लिखे हैं, कानून नहीं जानते हैं, अनुच्छेद नहीं जानते हैं, संविधान नहीं जानते, क्या नहीं जानते हैं? जिस संगठन में युवा कार्यकर्ता हो और जो स्व प्रेरित हो, खुद से आया हो, वो क्या कर सकता है, ये उन लोगों का धुक-धुकी बता रहा होगा आज के भीड़ देख। हम लोग चुने हैं प्रदेश को चलाने वाली सरकार, ये सरकार प्रदेश चलाने वाली सरकार नहीं, ये एक भैंस चराने वाली सरकार चुने हम लोग। ये वही ऐतिहासिक मंच है जो आज हजारीबाग में संपन्न बदलाव संकल्प महासभा जो जेबी केसेस के द्वारा रखा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया था और चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए। तो आज जिस तरह से भीड़ आई हजारीबाग में वो देखने वाला था। तो हमारे साथ हैं विपिन जी हैं, विकास जी हैं, राकेश जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम और राजकिशोर जी भी हैं, हम समझेंगे इन लोग से कि जो भीड़ आई यहाँ पे, उस भीड़ को लेकर सब लोग इनको बोलते हैं कि सिर्फ आप वोट कट के रह जाएंगे और आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विपिन जी, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार आपको भी और आपके सारे दर्शकों को झारखंडी जोहार। क्या लगता है आपको, जो भीड़ आज आई, आप मंच का संचालन कर रहे थे, तो भीड़ के हाव भाव से क्या लगा आपको? देखिए, भीड़ जो एक्चुअली मैंने जो उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ था। मंच पे मैं विराजमान था, मंच संचालन कर रहा था, तो देखा कि मतलब कि लास्ट जो हमारा ग्राउंड का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ से भी लोग देख रहे थे, कई लोग पेड़ों पर भी चढ़ के देख रहे थे। भीड़ जो है ये किसी बुलाए हुआ ज़्यादा भीड़ नहीं था, लोग जागरूक हुए और कि क्रांतिकारी आ रहे हैं, उनको सुनने के लोग आए। और ये भीड़ नहीं है, ये बदलाव की भीड़ है, ये प्रतिभाओं की भीड़ है। जब एक PhD किया हुआ छात्र बोल रहे हैं, क्रांतिकारी बोल रहे हैं, छात्रों के नेतृत्व करने वाले जो बोल रहे हैं, तो कोई सुनने वाला जो आम नहीं है, वो काफ़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे सुनने आए हैं। और आज यही हुआ कि काफ़ी मात्रा में लोग आए और एकजुटता, झारखंडी एकजुटता, चट्टानी एकता का परिचय दिए। 11 बजे से जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो 6:30 बजे कार्यक्रम की समाप्ति हुई। आज 2 सभाएँ चल रही थी, एक आज भी कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा हुआ था, आप भी यहाँ पे रखे हुए थे, दोनों जगह पे भीड़ था, हम भी वहाँ पे कवर किए, यहाँ पे भी कर। लेकिन क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जिस तरह से सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है, तो आने वाले समय में क्या जयराम महतो इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे? श्योर, क्यों नहीं, ये तो कोई बुलाया हुआ भीड़ ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात है कि कार्यक्रम के लिए कहीं से फंडिंग नहीं हुआ है, सब विद्यार्थी लोग, युवा लोग, क्रांतिकारी लोग सहयोग राशि 20-50-100 रुपये दे के आए हैं खुद से, किसी को आंसू जैसा कोई पैसा बांट के नहीं लाया गया है। दूसरी बात, आंसू को कितना है, आप वहाँ पे कार्यक्रम में गए, एक हॉल में कार्यक्रम किया गया जहाँ की अधिकतम हमको लगता है कैपेसिटी जो है उस हॉल में हमने भी कार्यक्रम किया है, अधिकतम 1500 कैपेसिटी होगा वहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि उनको भीड़ जुटाना हो तो गांधी मैदान जैसा हम लोग कार्यक्रम किए, खुला चुनौती है, उस तरह कार्यक्रम करके दिखा दो। विकास जी, आपको लोग अभी बोल रहे हैं, मीडिया में भी खबर चल रहा है, लोग भी बोलते हैं कि अरे ये लोग तो नौसिखिए हैं, क्या करेंगे, सिर्फ वोट काट के और चले जाएंगे, तो इस समीकरण को कैसे आप चेंज करें? युवा जब आता है ना आगे, आप देख रहे हैं ये जो जगह है, एक आरोप हम लोग पर बार बार लगता था कि नहीं इस आंदोलन में ज़्यादा कुर्मी लोग होते हैं, लेकिन आपको बता दें ये जो जगह हुआ, यहाँ पर इर्द गिर्द कुर्मी गाँव नहीं है, फिर भी इतनी भीड़, ये बताता है कि इस आंदोलन में सभी लोग दिल से जुड़े हैं और इसमें झारखंडियत की भावना लोगों में जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से ये बदलाव हुआ, ठीक है ना, सीखवे हैं तो क्या हुआ। बहुत ऐसे छात्र हैं जो ना सीखवे रह के भी बड़े बड़े को पटखनी दिए हैं, तो हम लोग पटखनी देने के लिए सक्षम हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो लोग बोका लोग नहीं हैं। राजकिशोर जी, क्या बोलेंगे, इस भीड़ को देख कर लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ भीड़ आने से क्या होगा, जब राजनीति में उतरेंगे, जब वोट में उतरेंगे, अगर इसको तब्दील कर पाते हैं तब तो मज़ा आएगा ना, अगर खाली भीड़ जमा कर लेना, तो भीड़ तो कोई भी जमा कर लेता है। करे हम खुला चुनौती करते हैं कि अन्य संगठन भी करे इस तरह से, और ऐसा ना कि कोई पैसा दे के बुलाए, अपने पैसा से लोग कितने जाते हैं, लोग वो दिखाया जाए, कितने अपने पैसा से लोग जाते हैं,
झारखंड के इतिहास में ये पहला दफा है कि छात्र नौजवान के साथ साथ हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग सब अपने पैसा से हर एक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। आप सोचिए कि जो अपना पैसा लगा के यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा है हो रहे हैं तो क्या उन लोग वोट किसी और को देंगे हाँ। और जहाँ तक बात थी नौ सिखवा की, अरे कोई भी मैयक पेटवा से सीख के ना आवे दादा हाँ, ओकर लिए समय लगा है संघर्ष कराते, तो हम लोग भी लड़ेंगे संघर्ष करेंगे। और बता दें कि कई ऐसे विधायक हैं जो भी अगर हम बोल दें कि हम लोग के 1 किलोमीटर के दूर में पूर्व डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, वो भी 26 साल के उम्र में विधायक बने थे। तो 26 साल के उम्र में जब विधायक बने थे तो क्या वो पूरा सीख ले लें हैं, सीखित तो नहीं है नहीं ले लें, वो भी सीख लें। आज 15 साल अगर वो मंत्री रह लें तो सीख लें ना हैं, कैसे नहीं ना। तो हमने भी सीख भाई, और ख़ास करके हमने तो पढ़ल लिखल युवा भी लगी है, और हमने के गाइडेंस भी मिला है कि हमने के पीछे बुजुर्ग सब हथिन, शिक्षाविद हथिन, बहुत ऐसा इंटेक्चुअल साथी हथिन जे अभिभावक स्वरूप ओखिन हम इनके गाइडलाइन कर रहे थे। सर तो ये है कि होश इसलिए उड़ा है ना, क्योंकि वोट में तब्दील करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कार्यकर्ता, और युवा ही कार्यकर्ता होता है। यहाँ जो भीड़ थी ना, वो भाड़ा के गाड़ी में लाए गए महिलाएँ बुजुर्ग वो सब नहीं थे, वो स्वप्रेरित युवा थे, और युवा कार्यकर्ता होते हैं। और जिस संगठन में युवा कार्यकर्ता हो और जो स्वप्रेरित हो, खुद से आया हो, वो क्या कर सकता है, ये उन लोगों का धुक-धुकी बता रहा होगा आज के भीड़ देख। 1932 की जो लड़ाई है वो हम लड़ते आए हैं, ये हमारा है, इसकी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, तो फिर बाकी सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब कहने की बातें हैं। अगर लड़ रहे हैं आप तो सरकार में 5 साल रहे भैया, आप क्या चाहिए आपको और चाहिए अपने 5 साल? हम लोग बोका हैं क्या, नहीं पढ़े लिखे हैं, कानून नहीं जानते हैं, अनुच्छेद नहीं जानते हैं, संविधान नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? आपके पास सब कुछ है, बहुमत सरकार है, फिर आप बोलते हैं। उनके पापा जो शिबू सोरेन थे वो भी 1932 की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो आप कैसे नकार सकते हैं उनको कि 1932 से लेकर लड़ाई उनकी नहीं। शिबू सोरेन गुरु जी की बात और हेमंत दा की बात, दोनों में फ़र्क है। बाप का विरासत उसको मिला है, राजनीति में उसको कोई ज्ञान नहीं है, जो सुनने में आया कि 3 बार में इंटर पास किए हैं। पढ़े तो हैं कम से कम, यहाँ पे ऐसे विधायक जो अनपढ़। अरे अनपढ़ है, यही चीज़ को तो बदलना है ना। अभी बदलाव झारखंड में क्यों हो रहा है, हम बता रहे हैं। जो आप जो संकल्प देखे हैं, साफ जाहिर है कि 2024 में 81 सीट में जो भी पुराने पार्टी के हैं सबका जमानत जब्त, जो भी सांसद हैं 14 लोकसभा में सबका जमानत जब्त। और इस बार जब जब छात्र बोला है, और ये जो राजनीतिक सिंहासन तो डोला ही है, और ये संकेत है कि इस बार छात्र बोला है तो सिंहासन पक्का डोलेगा, लगता है। बिल्कुल लगता है, हम लोग सत्ता में आएंगे और पूर्ण तरीके से आएंगे, ताल ठोक के कहते हैं। और जहाँ तक बात है, अभी आप बोल रहे थे कि 1932 हेमंत सोरेन जी का मुद्दा, भाई तोर मुद्दे रहतो, हेमंत दादा तोरा बार बार कहा यो कि तोर ये मुद्दे रहतो, जिंदगी भर मुद्दा रहतो, लेकिन तू एकर प्रति काम ना करबे। काहे कह कि तू एक जुबान कर ले ले कि साल में अगर 5 लाख नौकरी ना देबो तो राजनीतिक से संन्यास। 3.5 साल बीते चल रहे, का लगे दादा ये कौन बात लगाइए, तोर पे कौन भरोसा करता आए। और जब जब ओकरा ईडी के परेशानी आवा है तो वो है भैया 1932 के याद कर रहा है। अच्छा तो बताओ, जब लागू कर ली, जब तोरा राज से ही ओकरा पारित करल जा सकल है, जे अन्य राज में कर लेते बिहार में आए, वहाँ कभी हमने बोला ये ना कि अगर तोर 32 ना हो रहा तो जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो बिहार में लागू है ओकरा लागू कर। कौन देते वकील और कोर्ट में बाहरी चुनौती से देख लबे हमने, तो लागू तो कर, लेकिन वो सिर्फ 1932 के रोना रोवो है और कुछ ना करो है, कुछ ना ओकरा सिर्फ नौटंकी लगाओ और सिर्फ नौटंकी लगाओ। इसीलिए ओकरा 5 साल मौका दिलिए, आप ना है, आप ओकर खत्म। एगो सुप्रीम कोर्ट के वकील है AK श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव, वो बोला है कि हेमंत सोरेन अगर 1932 लागू ना करते ना तो 10 साल में इस सत्ता के बाद 10 साल में ओकर JMM के अस्तित्व जो है ना समाप्त हो जाता, और इस बदलाव संकेत लगाए, ये जो भीड़ चल रहा है ना, इस संकेत लगाए कि JMM के अस्तित्व समाप्त होने वाला है, और साथ साथ में हम इनके डिप्टी CM के भी अस्तित्व समाप्त होने वाला है।
दादा, जैसे अभी आप सवाल किए कि हेमंत सोरेन 32 की बात कर रहे हैं, तो 32 की बात जो कर रहे हैं वो आप जरा सा गौर कीजिए, सरकार में है वो, और सर अभी जो वैकेंसी जितना निकली 8-10-11 वैकेंसियाँ, उसमें सिर्फ झारखंड का स्थानीय निवासी जो व्यक्ति नहीं जोड़ सकता है, जो मुख्यमंत्री नहीं जोड़ सकता है, हम उससे 32 की कल्पना कर लें, इतना आसान है कि, और आप कब करिएगा, आपके पास समय भी नहीं है, 4 साल तो कंप्लीट होने वाला है। ये सिर्फ जुमलाबाजी है और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, विद्यार्थियों को ठगने का काम किया जा रहा है, और ये सब कुछ नहीं कहने की बातें नहीं। आप जो आपके हक अधिकार में हैं, हम जो विद्यार्थियों के हक अधिकार की बात है, जो एक सिर्फ एक लाइन लिखना है कि भारत के नागरिक के साथ साथ झारखंड का अस्थायी निवासी होना जरूरी है, ये एक लाइन नहीं लिख सकते हैं आप। आपसे हम 32 कल्पना कर ले, आप 32 लागू कर दीजिएगा। आपने तो जोहार, आप तो यात्रा निकाला था, 32 का खतियान यात्रा, गाँव गाँव में यात्रा निकाला था, सभाएँ की हैं आपने, कहाँ गया वो यात्रा? सिर्फ जुमला है, नहीं चलने वाला है। आपने भी इस भीड़ को देखा, इस भीड़ में लोग भी आए, और क्या देखते हैं आप इस भीड़ में, आपको क्या नज़र आए? देखिए, ये जो बदलाव संकल्प महासभा का जो आयोजन किया गया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि 2024 में बदलाव होगा। जैसा कि हम बता दें आपको कि जिस समय चुनावी में आ रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी, उस समय कहा था उन्होंने कि हमारी सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, ठीक है, और बेरोज़गार युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोज़गार भत्ता। ना वो एक भी युवाओं को रोज़गार दिए, ना वो एक भी युवाओं को रोज़गार बेरोज़गार भत्ता दिए, ठीक है। और ये जो सरकार जनता को जो ठगने की काम कर रही है, युवाओं को जो शोषण कर रही है, युवा अब जाग चुकी है, और हम यही कहना चाहेंगे कि युवाओं को राजनीति में आने से मजबूर मत करो, युवाओं को राजनीति तो गए हैं अभी आप लोग आ गए हैं, वही हम कहना चाह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में आने से मजबूर ना करें। जिस दिन युवा पढ़ाई छोड़ कर के राजनीति में आ गए, दोबारा आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। और ये सरकार जो हम लोग चुने हैं, प्रदेश को चलाने वाली सरकार, ये सरकार प्रदेश चलाने वाली सरकार नहीं, ये एक भैंस चराने वाली सरकार चुने हम लोग, और ये सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना, हम युवाओं को मिल करके और टाइगर जयराम महतो को अगला सीएम बनाना है 2024 में। ये हम लोग विधायक संकल्प लिए हैं, विधायक बनाइएगा तभी ना सीएम बनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, इसी माध्यम से इतने लोग जो जुड़े हैं, यही संकल्प लेने के लिए जुड़े हैं कि 2024 में कम से कम 42 विधानसभा से जीत करके और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है। कहाँ से आए हैं आप? पलामू प्रमंडल से हैं, लतेहार जिला अमनिका विधानसभा से। बहुत दूर से आए हैं आप चल के? तो हम लोग दूर से ही इसलिए आए हैं कि हम लोग बहुत मतलब चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बने और परिवर्तन हो, हम लोग इस क्षेत्र से आते हैं। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी, कोई नहीं बोलता कि हम उनको विधायक बनाएंगे, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, विधायक कौन बनाएगा पहले? तो है 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी जेबी कैसे, उसके बाद 43 जब तक नहीं जीतेंगे। ये पहले की पहले विधायक बनाएंगे, आप लोग सब बोलते कि सब मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुख्यमंत्री कब बनाइएगा? जब विधायक बनाइएगा उनको। विधायक नहीं हो गए हमारे 43, तब तक मुख्यमंत्री थोड़ी बन पाए। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे, चतरा लोकसभा में आज तक स्थानीय सांसद नहीं बन पाया, ये किसी में भी पूछा गया सवाल है। अब इतना दुर्भाग्य की बात है कि मंडल नेम है मनिका विधानसभा में 1973 से, सेंट्रल में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, फिर भी नहीं बना पाए। वहाँ के एक निकम्मे विधायक है पूर्व भाजपा के, केंद्र में भी सरकार राज में भी, हरिकृष्ण सिंह नाम है उनका, उनका अपना पंचायत, उनका अपना गृह पंचायत, अपना ब्लॉक मनिका, 10 साल से एक रोड नहीं बना पाए, वैसे वैसे विधायक बने हमारे। इस बार हम लोग शपथ ले रहे हैं, आज संकल्प ले रहे हैं, इस हजारीबाग के धरती से अपना लोकल सांसद बनाएंगे और स्थानीय और चतरा लोकसभा का दाग मिटाएंगे। और जो भी सत्ता में बैठे हैं सांसद हो या विधायक पलामू प्रमंडल के, जो सिर्फ भोज में जाते हैं और 500 देते हैं और कहते हैं कि हमने अच्छा किया है, उन सभी का हमने RTI फाइल कर चुका है। आपको पता होगा कि RTI फाइल किया है, और 24 में 1 जनवरी के बाद हम लोग सब रिलीज करेंगे, बताएंगे जनता से कि देखिए इनका इतना फॉर्चूनर है, इतना गाड़ी है, यहाँ पे ये ज़मीन है, यहाँ पे फ्लैट है, सबका हिसाब होगा। 24 में सबको उखाड़ के फेंकेंगे, और जितना जबरू गंगा पार्क बना है आज तक सांसद, सबको एकदम उसी गंगा में बहा देंगे। सब लोग जयराम की भाषा बोल रहे हैं, जब से जयराम महतो बोलने लगे हैं सब लोग सिर्फ जयराम महतो का ही भाषा और टैगलाइन यूज करना चालू कर दिए। वो तकलीफ हम लोग का दर्द है कि आज तक स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना, 75 धरती में कोई पैदा नहीं लिया है कि आज तक स्थानीय सांसद नहीं बन पाया,
इसलिए तकलीफ है। मंडल 1973 से क्यों नहीं बन पाया आज तक, लोकल विधायक थे 10 साल से, पल्हा रोड नहीं बन पाया मेरा, सेंट्रल में भी केंद्र में भी सांसद विधायक स्थानीय विधायक फिर भी नहीं बन पाए, तो दर्द है और कोई बात नहीं है।